हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर 24th चैप्टर ऑफ जीके। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पेस द फाइनल फ्रॉन्टियर। ओके, इसमें क्या कहा है, द मॉडर्न एज हैज़ राइटली बीन कॉल्ड द स्पेस एज, यानी कि आधुनिक युग को अंतरिक्ष युग कहा जाता है। ओके, स्पेस इज अ रिसर्चर्स पैराडाइज, कि जो स्पेस है अंतरिक्ष एक शोधकर्ता का स्वर्ग है। इट हैज़ ऑलवेज बीन द ड्रीम ऑफ मैनकाइंड टू नो मोर अबाउट इट, यानी कि इसके बारे में अधिक जानना हमेशा से मानव जाति का एक सपना रहा है। आज हम स्पेस के रिलेटेड यहाँ पे देखने वाले हैं, देखते हैं क्या करने के लिए कहा है। गिवन बिलो आर अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट मैनकाइंड्स जर्नी इन टू स्पेस, कि हमें यहाँ पे मानव जाति की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, आंसर देम विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज बिलो। क्या कहा है कि हमें यहाँ पे आंसर लिखने हैं, नीचे क्लू हमें जो दिए हैं उसमें से ढूंढ के, ओके, उसकी हेल्प से यहाँ पे आंसर फाइंड करने। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एटमोसफियर एंड आउटर स्पेस इज नो हैज, कि जो बाउंड्री होती है किसके बीच की, अर्थ और एटमोसफियर के बीच की जो बाउंड्री है उस आउटर स्पेस को क्या कहते हैं, तो उसको उसमें आता है आंसर सी। आप नीचे क्लू में देखते हैं उसमें क्या, उसको क्या कहा जाता है, द कार्मन लाइन, यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वुमन टू एंटर इन टू स्पेस फोर्स, कि ऐसी फर्स्ट वुमन कौन है जिसने स्पेस के अंदर फर्स्ट मतलब वो फर्स्ट टाइम स्पेस के अंदर गई थी। ओके, जिसने प्रवेश किया था वो फर्स्ट वुमन कौन है, तो सेकंड में आंसर आता है एच। अब क्लू में देखिए एच में क्या ऑप्शन है, वैलेंटीना तेरेश्कोवा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एच लिख दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म यूज्ड फॉर द स्पीड रिक्वायर्ड बाय अ रॉकेट टू लीव अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड गो इनटू स्पेस इज, कि किसी रॉकेट द्वारा पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उस शक्ति को छोड़ने और अंतरिक्ष में जाने के लिए एक आवश्यक गति के लिए एक शब्द का प्रयुक्त होता है, वो वर्ड कौन सा है, कौन सा वर्ड यूज़ होता है वो यहाँ पे लिखना है। ओके, आंसर में आंसर आता है जी। तो आप क्लू में से देखिए जी क्या है, जी में कौन सा आंसर दिया है, जी में दिया है स्केप वेलोसिटी। इसमें क्या कहते हैं, स्केप वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में आंसर आ जाएगा जी। फोर नंबर का देखते हैं, राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस फ्लू अब्रॉड द स्पेस क्राफ्ट। इसमें ऐसा कहा है कि राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान में जब पहली भारतीय उड़ान भरी तो वो स्पेस क्राफ्ट है वो कौन सा था। ओके, तो उसमें आंसर आता है एफ। अब एफ में देखिए कौन सा था, सोयूज T-11, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, एफ। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। फाइव में कहा है, द फर्स्ट प्राइवेट मैनेड स्पेस क्राफ्ट टू वेन्यूर इन टू स्पेस, कि अंतरिक्ष में उद्यम करने वाला पहला निजी मानव युक्त अंतरिक्ष यान स्पेस क्राफ्ट कौन सा था, तो फाइव नंबर में आता है बी ऑप्शन। तो कौन सा था, स्पेसशिप वन, ये तो आंसर यहाँ पे आएगा बी। सिक्स नंबर का हम देखते हैं, सिक्स नंबर में है द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू फ्लोट इन स्पेस वो, कि अंतरिक्ष में ऐसे तैरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री जो है वो कौन था, तो इसमें आता है ई आंसर। ई में कौन है, एलेक्सी लिनोवो। ओके, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे, ई ऑप्शन। सेवन नंबर का देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन बोर्न वुमन टू गो इन टू स्पेस वो, कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला इंडियन वुमन थी, कौन थी वो, तो आई थिंक ये सबको आता होगा। यहाँ पे देखो उसकी फोटो भी आपको गिवन है। ओके, ऑप्शन आंसर आता है डी, कल्पना चावड़ा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, द मैन हु इन्वेंटेड
the multi-stage rocket and the liquid fuel rocket, कि ये व्यक्ति या ये कौन व्यक्ति है कि जिसने मल्टी स्टेज रॉकेट और लिक्विड फ्यूल रॉकेट बनाया है. ओके तो ये कौन है, अब कौन सा बचा है, ए. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए. क्या नेम है उसका, रॉबर्ट एच गोडार्ड. ओके सारे क्वेश्चन कंप्लीट, सारे ऑप्शन यहाँ पे आंसर लिख देने हैं. अब यहाँ पे हमें कुछ कहा है, डू यू नो कस्टमेट आर, की क्या आप जानते हो, कस्टमर्स आर एस्ट्रोनॉट हु आर एम्प्लॉयड बाय द रशियन स्पेस एजेंसी. सिमिलरली चाइनीज एस्ट्रोनॉट आर नो हैज टैकोनट्स, इंडियन टू हैज नेम फॉर इट एस्ट्रोनॉट व्योमनास्ट. क्या है कि कॉमनास्ट अंतरिक्ष यात्री जो है वो उसकी रुचि अंतरिक्ष एजेंसी है, ये उसकी एजेंसी है. ओके इसकी है रशियन की, इसी ये रशियन की एजेंसी है. ओके उसी तरह से चाइनीज की एक एजेंसी है जिसका नेम क्या है अंतरिक्ष क्षेत्र में, टेक्नोस. ये चाइनीज की जो एजेंसी है उसका नेम है. तो उसी तरह से हमारे इंडियन का भी एस्ट्रोनॉट्स की एजेंसी है, उसका नेम क्या है, व्योमनॉट्स. ओके क्लियर, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके इसके बारे में वीडियो या इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. ओके उसके रिलेटेड अब आपको जो क्वेश्चन भेजूंगी पीडीएफ, वो आपको जीके की नोटबुक में लिख लेना है. क्लियर, इसके इस चैप्टर में कोई भी क्वेरी या डाउट होता है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिएगा. ओके थैंक यू.